कल दो दिन पहले अपना बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में पुराना पुल के पास एक स्टील्स अंबिका स्टील्स सामने एक स्नैचिंग हुआ बोल के कंप्लेंट आया था। उसमें वो कंप्लेंट मनोहर बोल के लोड का स्क्रैप लोड का बिजनेस का अमाउंट आने आए तो वो अमाउंट यहाँ से कलेक्ट करने के लिए परगी से एक जने ट्रांसफर किया था। वो अमाउंट को वहाँ से यहाँ से अंबिका स्टील से पैसे कलेक्ट करने के बाद इवनिंग 8:30 टाइम पे बाहर आने के टाइम पे एक जने गाड़ी के ऊपर आके तीन जने स्नैच करके वो कैश को लेके चले गए बोल के कंप्लेंट आया था। उसके ऊपर हम लोग FIR दर्ज हुआ। उस दिन अपना ऑल ऑफिसर्स भी आके पूरा वेरीफाई करा था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पे दो एक डाउट आया था। CC को फुटेज वो पूरा चेक करने के बाद अपन को थोड़ा कंप्लेंट के ऊपर ही थोड़ा डाउट आया था। उसके वेरीफाई करने के बाद उन्हें कन्फेस किया कि इसका फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहा कहते फाइनेंशियली थोड़ा नेसेसिटी है उसका माँ बाप के बारे में और वो गांव पे, इसलिए उन्हें सोचा कि 10 लाख रुपए लेके ऐसा केस का लगाया तो मेरा ऊपर नहीं होता, हम लग जाके वो पैसे खाएंगे बोल के इंटेंशन से वैसा करा। बाद में वेरीफाई करे तो वो पैसे पूरा हम लोग इन्वेस्टिगेशन में रिकवरी करा और उसको आज रिमांड भी कर रहे हैं। इतना कैश है इसके ऊपर कुछ तो भी PVS हिस्ट्री कुछ भी नहीं है। उन्हें काम करने वाले भी 3-4 साल से काम कर रहे हैं, उसमें इससे पहले तो कुछ भी नहीं है। वो फाइनेंशियल डिस्प्यूट से फाइनेंशियल इश्यूज से इसके बारे में उन्हें जाके ऐसा आए तो अपन को हो जाता बोल के थोड़ा मिसकम्युनिकेट हुआ है। इसमें एक ही है, उन्हें एक ही इन्वॉल्वमेंट है। उन्हें आने के बाद और एक दोस्त इससे पहले था, उन्हें रवि बोल के इसका फ्रेंड था, उसको कैश बैक ले दे के मैं इमरजेंसी काम पे बाहर जा रहा हूँ, घर को जाके आने के बाद वो पैसे भी ले लेता हूँ बोले तो उन्हें उनके पास लगा। उसको इन्फॉर्मेशन कौन दिया यहाँ से 10 लाख रुपए बाहर आ रहे बोलते हैं? अभी वो एक घुमस्ता सुपरवाइजर है, इन्हें कलेक्शन बॉय है, हाइडो ट्रांसपोर्ट बोल के अपना बेगम बाजार पे एक ऑफिस है, उन्हें प्रदूटूर कड़पा वाला है वका, वहाँ पे उन्हें ट्रांजेक्शन चलता रहा था। उसमें इन्हें जाके इन्हें घुमस्ता है, उनको ओनर से पूछे तो उन्हें जाके ऐसा पैसे लेके आओ बोल के कैशियर है उन्हें। इससे स्पेंडर बॉय का तो कुछ भी नहीं है, स्पेंडर बॉय का नहीं है। इन्हें ऑलरेडी वहां से जो टाइम पे इन्हें खींच के चले गए बोल के जो दिया अपना CC फुटेज में ऑलरेडी उन्हें बैग भी वहां से लेके गया बोल के अपन को कंप्लेंट में दिया था। वो चेक करने के बाद वो बैग उसके साथ ही है, इसलिए अपन को डाउट आया।